जैसे आप खुद कह रहे हैं कि रोशनी का शहर, तो ये रोशनियाँ का शहर दोबारा बनते जा रहा है। कराची ने बहुत सफ़र किया, अगर मैं पिछले 15 से 20 साल को मैं लूँ तो बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, बहुत अप एंड डाउन देखे कराची ने। तो जिस तरह ये KTPL फर्स्ट सीज़न और फिर सेकेंड सीज़न, और जिस तरह की ये वेन्यू है, इसकी बड़ी बड़ी ट्रेडिशन वेन्यू है, हमने बड़ी क्रिकेट खेली यहाँ पे, क्लब क्रिकेट खेली, और जब हम 90s में और अर्ली 2000 में यहाँ क्रिकेट खेलने आते थे तो क्या समा होता था, आज वो समा दोबारा यहाँ पे हम देखने को आ रहे हैं। आई होप कि कराची शहर को नज़र ना लगे अल्लाह ताला, और इसी तरह ये फले फूले, क्योंकि कराची पाकिस्तान का मैं कह सकता हूँ कि दिल है, तो इस दिल को इसी तरह धड़कना चाहिए, और ये मेरी दुआ है कि रोशनी का शहर और ज़्यादा रोशनियाँ हम सब की लाइफों में लेके आए। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, और अगर ये शुरुआत इसी तरह होती है कि दुनिया में कुछ भी आया है तो वो उसकी शुरुआत होती है, तो ये शुरुआत हो चुकी है इसकी, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द ये क्रिकेट और प्रमोट होगी, और इससे पाकिस्तान के यंगस्टर और ख़ास तौर पर जो टे बॉल खेलने वाले हैं, टे बॉल फॉलो करने वाले हैं, टे बॉल को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, फैंस फॉलोवर, वो सब इसको सपोर्ट करेंगे, और इसमें वो आप कह सकते हो कि और पाकिस्तान का बिजनेस बढ़ेगा, प्लेयर्स को और हेल्थी वेल्थी होंगे, तो ये बड़ा एक अच्छा साइन है कि जब प्लेयर्स इस तरह के स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, उनके नाम होते हैं, और सोशल मीडिया का दौर है, तो जिस तरह ये यहाँ की रौनक बहाल हो रही है पूरे पाकिस्तान में, इस तरह हो, और जैसे हम पाकिस्तान की लीग्स की बात करें, PSL की बात करें, हम कश्मीर प्रीमियर लीग की बात करते हैं, तो ये मुझे लगता है कि उसके बाद ये थर्ड मेगा इवेंट पाकिस्तान का होने जा रहा है, ज़बरदस्त। देखें, मैं जैसे मैंने पहले कहा कि हर हर लीग, आप ये ना सोचें कि ये टेप बॉल की है कि ये हार्ड बॉल की है, ये कौन सॉफ्ट प्योर सॉफ्ट बॉल की है, ये अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, और उन प्लेयर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ होती है जो कि हार्ड बॉल तक ना रसाई कर सके, उन प्लेयर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ होती है जो कि एक स्टेज से आगे नहीं जा सकती। तो मेरे ख्याल से आज का जो मीडिया पे है और जो आ रहा है वो स्टार है, वही बात है, जो दिखता है वो बिकता है, मेरे ख्याल से इससे अच्छा दिखना और बिकना और क्या हो सकता है। ज़बरदस्त जी, बिल्कुल। देखें, हमने जब यहाँ PSL के मैच हुए, उसके बाद हम जब से ये पाकिस्तान में दोबारा क्रिकेट आई, हमने देखा कि श्रीलंका की टीम बार बार आई है यहाँ पे, वर्ल्ड 11 की टीम आई, और अब यहाँ जिस तरह के मैचेस होते हैं, हम देखते हैं कि जैसे मैंने पहले कहा कि बिजनेस आ रहा होता है, और प्लेयर, और सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं होता अगर हम बात करें तो, इससे बिहार में बहुत कुछ हो रहा होता है साथ में। मेरे ख्याल से इसी तरह उम्मीद है कि पाकिस्तान में और क्रिकेट हो और इवेंट्स अच्छे अच्छे हों। ये बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, कोई भी सीरीज़ हो रही है, जैसे ये यहाँ पे KTPL ने एक मैच कराया, मैं उसमें नहीं था, मेरी कोई ट्रैवल थी, लेकिन ये अच्छे एफर्ट्स है, आप मेरे अपनी कैपेसिटी में ये एफर्ट करें, और जिस तरह ये इंग्लैंड और पाकिस्तान की सीरीज़ होने जा रही है, उसकी कोई उसका परसेंटेज उस ये जो पाकिस्तान में जिस तरह फ्लड आया हुआ है, और जिस तरह सिर्फ एक इंटीरियर सीन में नहीं है, पूरा पाकिस्तान इससे अफेक्ट है, तो उसको जाना चाहिए उसका हिस्सा। और पास्ट में हम भी इसी तरह कर रहे होते थे कि हम भी अपनी जो हमारी जो अर्निंग होती थी उसका एक परसेंटेज जाता था, तो क्यों नहीं जाना चाहिए। और बात उधर से हुई है कि अपना एफर्ट करें और अपनी इनपुट दें, तो मेरे ख्याल से बहुत कुछ ठीक हो सकता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। नहीं, वो गया, वाह वाह वाह, 2042, थैंक यू, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल सपोर्ट करें, जिसकी भी जहाँ भी हो सके सपोर्ट करें, वो किसी भी मद में हो सपोर्ट करें, ज़रूरी नहीं कि आप पैसे के दें, बहुत से लोग आए, बहुत IDPs आए हुए, उनको उनकी हेल्प करें राशन के तौर पे, जिसको जो जहाँ जहाँ मौका मिले वो आगे आए और अपने कैपेसिटी में हेल्प करें। तो मेरे ख्याल से ये जो हम बात करते हैं ना कि जब अल्लाह से आप कारोबार करते हो, तो फिर अभी अगर हम 1 रुपये देंगे तो अल्लाह हमें अपने हिसाब से फिर कितने देगा, तो मेरे ख्याल से इसको हमें याद रखना चाहिए। बिल्कुल शहजादा मोइन भाई, आपने देखा होगा कि जिस तरीके की सूरत हाल यहाँ पे दिखाई दे रही है, लोग इंजॉय कर रहे हैं कराची के शहरियों को, एक इवेंट में असर आया हुआ है, उसके साथ साथ मेन मकसद इसका ये था कि ये जो गलियों में सड़कों पे क्रिकेट हो रही है इसको ऑर्गेनाइज किया जा सके बेहतर अंदाज से। हार्ड बॉल क्रिकेट प्रॉपर तौर पर ऑर्गेनाइज हो रही है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उस एसोसिएशन को संभालने वाले बहुत लोग हैं, बहुत सारे लोग मुख्तलिफ हार्ड बॉल की लीग्स कराते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा खिलाड़ियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है पाकिस्तान में
कि जो टेप बॉल क्रिकेट खेलता है, अगर आप तैमूर मिर्ज़ा के फैंस देख लें, आप मिलियंस में दिखाई देंगे, मैं हैरान रह जाता हूँ देख के। खुर्रम चकवाल को देख लें, ज़हीर अहमद, ज़हीर कालिया जिन्हें कहते हैं, आप उन्हें देख लें। मकसद है कि एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही बड़ा किस्म का जो है ना वो इनका फ़ैन क्लब अपना है, तो उस क्रिकेट को ऑर्गेनाइज़ किया। और फिर ख़ासतौर पर बच्चे बहुत सारी चीज़ों से बच जाते हैं, ठीक है, हम टेप बॉल में ही स्टार बन जाएंगे, तो ये एक पैगाम देना था कि आप इस क्रिकेट को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है और फिर इसमें बहुत पोटेंशियल। ऐसा नहीं है, अगर बिला वजह कभी भी फ़ैन क्लब नहीं बनता, फ़ैन क्लब बनता जब ये जब उस प्रोडक्ट के अंदर दम होता है, पोटेंशियल होता है। तो ये बदर एक्सपो सॉल्यूशंस ने KTPL की हमारी पूरी मैनेजमेंट, ज़ुहैर नसीर साहब हमारे चेयरमैन, उनके साथ जावेद मियादाद साहब एज ए प्रेजिडेंट साथ खड़े हुए, फिर हारून रशीद साहब कितना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काम करके आ रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस था कवानीन बनाने में, किस तरह से इसको ऑर्गेनाइज करें, सादिक मोहम्मद साहब, तौसीफ अहमद साहब, इन सब की अपनी एक्सपर्टीज़ थी। फिर पहले साल हमने ये डिसाइड किया कि हर टीम के डग आउट को कोई एक ऐसा प्लेयर ज्वाइन करे कि जिसने पाकिस्तान टीम का ड्रेसिंग रूम शेयर किया। तो हमने उसमें टेस्ट क्रिकेटर्स और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स 8 टीमों के 8 उनके मेंटोर्स के कैप्टन की सूरत में, उस वक्त हमने असमी भी कैप्टन थे, हसन रजा भी कैप्टन थे, शब्बीर अहमद कुछ उनके घर में कुछ प्रॉब्लम है वो नहीं आ सके, वो भी कैप्टन थे, उनकी टीम चैम्पियन बनी थी, मुखानेवाल से आए थे यहाँ पे चैम्पियन बन के, क्लिफ्टन गाजी बनी थी लास्ट ईयर, बहुत सारे क्रिकेटर्स, अब मैं सबके नाम लूँगा। लेकिन ये जो फ्लेवर आया है ना इस साल सीज़न 2 में, बूम बूम शाहिद खान आफरीदी ने ज्वाइन किया, वो नॉर्थ नवाब के साथ हैं और कहते हैं कि ये मेरी टीम है, मैं इस लीग के साथ खड़ा हूँ। फिर अब ग्रेट यूनुस खान, दो ग्रेट प्लेयर्स पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख के, वो जिनका इस वक्त फ़ैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है। देखें करंट एज की बात कर लेते हैं तो अभी हाल ही में क्रिकेट खेल के गए शाहिद खान आफरीदी और यूनुस खान, शाहिद तो खेल भी रहे, तो वो एक प्रॉपर चीज़ थी कि जो आप एक यंग जनरेशन को टाइमली कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं शाहिद आफरीदी को, यूनुस खान को, फखरे पाकिस्तान है दोनों, तो वो दोनों आ गए तो और 4 चांद लग गए। फिर इस साल हमने एक और चीज़ की कि जो पिछले साल नहीं कर सके थे वो ये कि सैलाब का दौर है, सैलाब जदगान बहुत ही आपको पता है देखते रहते हैं और बहुत अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, सबके जानो माल की हिफाजत फरमाए, आमीन, बहुत मुश्किल में। तो ऐसे में लाला जो हमारे मेंटोर हैं वो आके साथ खड़े हुए, वो साथ आके जुड़े और उन्होंने कहा कि मैं अपनी फाउंडेशन का मैच भी रखूँगा ओपनिंग सेरेमनी, तो एक मकसद मिला। हमारा पहला मकसद ये था कि गली कूचे में बच्चों को बाकी चीज़ों से बचा कर और गली कूचे की क्रिकेट को ऑर्गेनाइज़ कर दें, उनको भी एक प्लेटफॉर्म दिखाई दे कि इस प्लेटफॉर्म पर जो है ना वो आप इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद जो है ना वो अब उनको लगे कि हम हीरो बन सकते हैं, हमारे लिए पूरा एक पोटेंशियल मौजूद है। फिर आज हमने TCF के साथ मैच खेला, ये मुझे होलिया में देख रहे हैं कि अब शब तो मेरी कैप्टनशिप में बहुत लोग खेले भाई, सादिक मोहम्मद, हारून रशीद, तौसीफ अहमद, हार गए हम, तौसीफ भाई को 1 ओवर में 4 छक्के लगे, हम मैच हार गए। हाँ यही वो उनका खेलना ही बहुत है, जान है यार ये लोग, जावेद भाई, हारून भाई, तौसीफ भाई, सादिक भाई, ये KTPL की जान है। मेरे साथ मौजूद हैं नावेद लतीफ़ साहब, लेट 90s क्रिकेट और अर्ली 2000 क्रिकेट के जो है हम देखें तो मिडिल ऑर्डर जो हमारी थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी और किसी भी टीम को जो है वो बहुत टफ टाइम देने की काबिलियत रखती थी। इसमें अगर हम देखें तो नावेद लतीफ़ साहब थे हमारे साथ और इंजमामुल हक साहब थे, एजाज अहमद साहब थे, यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ साहब थे, तो ये जो हमारी मिडिल ऑर्डर की जो स्ट्रेंथ थी वो जो है बहुत टफ टाइम देती थी। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारी जो बॉलिंग थी वो तो यानी आउट क्लास ही होती है, तो वो जो एरा था और अब जो एरा है उसमें क्या फ़र्क है और उस टाइम की जो क्रिकेट थी और अब की जो क्रिकेट है उसमें कितना डिफरेंस आया है, तो वो हम थोड़ी एक्सपर्ट राय हासिल करेंगे। इसके अलावा जो भी KTPL का सीज़न 2 चल रहा है उस हवाले से भी फीडबैक लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नवेद भाई क्या देख रहे हैं कि जो 90s का एरा था हमारा बहुत अच्छा, यानी अगर देखा जाए तो यानी जितने भी लेजेंड्स थे और यानी हम देखें उस टाइम पे जो क्रिकेट का क्वालिटी थी वो अलग थी, अब जो है वो क्वालिटी थोड़ी डिफरेंट हो गई है, T20 आ गया और उसके बाद जो हम देखें तो प्रीमियर लीग जितना आना शुरू हो गया, तो उस क्रिकेट में और इस क्रिकेट में क्या फ़र्क आप देख रहे हैं और आप यानी KTPL का जो सीज़न 2 है उसका क्या आप फीडबैक देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो सवाल किया आपने किसी हद तक उसका जवाब भी खुद ही दिया कि पिछले पहले जो क्रिकेट होती थी उसके बाद अब जो क्रिकेट है उसमें T20 आ गई, तो T20 ही एक फैक्टर है
अब पहले जो प्लेयर्स आते थे मिडल ऑर्डर या ओपनर बैट्समैन या बॉलर या विकेट कीपर जो भी आते थे, 3-4 साल 5 साल 6 साल डोमेस्टिक में खेल के एक्सपीरियंस गेन करके परफॉर्म करके और एक मतलब कंपटीशन होता था, उस कंपटीशन के अंदर से निकल के आना और पूरा मैच्योर होके आना और पूरा जिसे कहते हैं कि एक पूरा मतलब क्रिकेटर बन के आना, तो वो उसका ये जो आजकल की क्रिकेट है इसमें तो टी ट्वेंटी के एक मैच टीवी वाले मैच में 50 किया, दूसरे टीवी वाले मैच में 45 किया तो आपका नाम पाकिस्तान टीम में आ जाता है। मैक्सिमम 4 मैच कर लें, इससे ज़्यादा का किसी प्लेयर को कोई एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा, कोई वो एक्सपीरियंस गेन नहीं कर रहा, कोई वो मैच्योर नहीं हो रहा, उसमें मैच्योरिटी नहीं आ रही और उसी की वजह से जब ये इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं तो वहाँ पे एक आधे मैच में परफॉर्म किया उसके बाद से फिर वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है मेरे ख्याल से, इसको मज़ीद प्लेयर्स को मैच्योर होने का टाइम देने के बाद उन्हें टीम में लेके आना चाहिए, ना कि आप 20-21 साल के लड़के को 2-4 मैच खेलते हैं, 1-50 किया, 1-45 किया, फर्स्ट क्लास में 100 किया। अब आप उठा के देख लें हमारे जो नए लड़के खेल रहे हैं, कोई लड़का ऐसा नहीं होगा कि वो फर्स्ट क्लास में 200 या 2500 करके आ रहा है या 1500 या उसने 5 सीज़न 7 सीज़न खेला है, कुछ 4 सीज़न खेला, ना बिल्कुल ऐसा कोई मामला नहीं है। 1 सीज़न खेलते हैं, 2 सीज़न मैक्सिमम 1.5 सीज़न खेला, 150-200 किए, T20 में 250 किए और आप टीम में आ जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसके बारे में मैं समझता हूँ कि PCB को भी ये सोचना पड़ेगा, PCB के सिलेक्टर को सोचना पड़ेगा, PCB की तमाम जो नेशनल क्रिकेट अकेडमी में जो हमारे कोचिज और जो हमारे स्टाफ बैठा हुआ है उनको भी सोचना पड़ेगा। इस तरह करने से जो एक बड़ा नुकसान होता है कि वो जो लड़का आपको 2-3 साल के बाद एज ए मैच्योर प्लेयर पाकिस्तान के लिए खिदमत सर अंजाम दे सकता है, वो चूंकि शुरू में ही 1-2 मैच में परफॉर्म करता है और उसके बाद उस पर लेबर लग जाता है और वो बाहर हो जाता है, इस तरह आप अपना टैलेंट ज़ाया कर रहे हैं। तो ये मेरा ज़ाती ख्याल है कि गलत भी हो सकता है लेकिन ये कोई ठीक बात नहीं है कि आप एक को खिलाते हैं, 4 मैच खिलाए, बाहर कर दिया, उस पर लेबर लगा, फिर वो आउट हो गया, फिर आपने 2 खिलाए, फिर वो परफॉर्म किया, फिर कर दिया, इस तरह से ऐसे नहीं होगा। इतना टैलेंट नहीं होता कि आपको हर साल 3 से 4 प्लेयर या हर 2 साल के बाद 4-5 प्लेयर मिले। क्रिकेट है, हाई लेवल की क्रिकेट है, इसमें टफ क्रिकेट खेलनी होती है आपने, वहाँ पे आपको 2 साल में 3 साल में 1 से 2 प्लेयर लेकिन मैच्योर प्लेयर आए जो दूसरे प्लेयर्स की जगह लें। आप अगर ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप उतने ही नाकाम रहेंगे। अच्छा दूसरा नवीद भाई, हम ये देख रहे हैं कि एक तरह का नेक्सस बना हुआ है, हम जो हैं वो देखें तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने एक नेक्सस बनाया हुआ है और जो यानी दीगर टीमें हैं वो जो है उस हिसाब से अवेल नहीं हो पाती इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे, तो उसका आप कितना असर अंदाज देख रहे हैं, असर रसूख देख रहे हैं? जैसे IPL अगर हम देखें तो जब से IPL का ब्रांड आया है और पाकिस्तानी क्रिकेटर को जिस तरह से डिस्करेज किया गया है इंडियन प्लेटफॉर्म्स पे, तो उसको आप कितना यानी नुकसानदेह देख रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट का? जी मेरा ख्याल है कि ये जो तासुब पसंदी है ये पहली बात तो ये है कि स्पोर्ट्स में नहीं होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी मतलब हम अनलकी भी हैं कि हमारा चूंकि नेबर इंडिया है, भारत है, और वहाँ के जो मजहबी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा तासुब, बाकी दुनिया में और भी मज़हब हैं उनको मैं मज़हब के हवाले से लेना तो नहीं चाहता, लेकिन मेरे ख्याल से आज जो क्रिकेट का जो हमारा डिक्लाइन आ रहा है या हमारे में जो फ्लॉज आ रहे हैं, जो IPL में लड़के नहीं जा पा रहे या क्रिकेट इंडिया से नहीं हो रही, उसमें एक मज़हब फैक्टर है ही है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा नहीं बल्कि काफ़ी सारा है, तो वो इस मुबादले से काफ़ी तासुब पसंद हैं, रेसिस्ट हैं, जो कि मेरा ज़ाती ख्याल हमारा कि स्पोर्ट्स में ऐसा होना चाहिए। बाकी हमारा पॉलिटिकल तौर पे भी जारी बात है, उनके साथ मामलात इश्यूज चल रहे हैं, वो भी उसमें फैक्टर है, उसके अलावा हमारा बॉर्डर भी है साथ हमारे साथ, मतलब उनके काफ़ी सारे और भी इशूज़ हैं जिसमें कश्मीर का इशू भी है, और लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये तमाम इश्यूज़ को एक साइड पर रख के स्पोर्ट्स को इन चीज़ से बालातार होना चाहिए। स्पोर्ट्स में सियासत, पॉलिटिक्स, मज़हब, सियासत, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी, स्पोर्ट्स एक अलहदा चीज़ है, उसको इसके साथ लेना चाहिए, लेकिन इसमें सरासर आई थिंक सो कि मेरे ज़ाती ख्याल है कि वो इंडिया का कसूर है, और ये चीज़ें ICC को ये देखना पड़ेगा, ICC को कोई स्टेप लेने पड़ेंगे, लेकिन चूँकि इंडिया एक बड़ी नेशन है, बड़ा मुल्क है, ICC की काफ़ी सारी पैसे और उनकी काफ़ी सारी जो इनकम है वो भी मतलब इंडिया के थ्रू आती है, तो उसके हवाले से भी ICC भी किसी हद तक बाउंड है, लेकिन बाउंड होना नहीं चाहिए, वो इसको कुछ ना कुछ इसका हाल या इसका कुछ ना कुछ सलूशन निकालना चाहिए। अच्छा दूसरा नवीद भाई, लास्ट फीडबैक, KTPL को कैसा देख रहे हैं? Season 2 चल रहा है और अब तक आपका क्या फीडबैक है, जो अब तक आपने इसमें डेवलपमेंट देखी और जो मैचेस देखे हैं उससे आपका क्या फीडबैक लग रहा है? ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी दौर में टेस्ट क्रिकेट होती थी, तो जब वनडे क्रिकेट शुरू हुई, 60 ओवरों की क्रिकेट शुरू हुई, तो लोगों ने कहना शुरू किया जी ये क्रिकेट को ख़राब कर रहे हैं, क्रिकेट को ऐसे कर रहे हैं। आने वाले दिनों में फिर 20-25 साल वनडे क्रिकेट ने बहुत रूल्स किया, बहुत उसके वर्ल्ड कप बहुत अच्छे हुए, बड़े सक्सेसफुल गए, स्पेक्टेटर्स बहुत आए, उसमें बड़ी मतलब कलर की टाइम, वेट बॉल आई,
जिद्दत आ रही है, जैसे जैसे दुनिया तरक्की कर रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है, उसी तरह चीज़ों में भी चेंजिंग्स आ रही हैं। तो उसके बाद जब 2020 क्रिकेट आई तो फिर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये तो अब वनडे क्रिकेट को भी ख़राब कर रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट तो होगी ख़राब, वनडे भी खराब। लेकिन आपने देखा कि वो जब 2020 है, अब सबसे पॉपुलर जो इवेंट है वो क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट, उसके उससे हट के जो सबसे पॉपुलर इवेंट है वो 2020 है। तो 2020 के बाद अब जब T10 भी शुरू हुई तो फिर लोगों ने ऐसे ही कहना शुरू किया, लेकिन अब T10 भी आ गई है। तो ये टेप बॉल क्रिकेट भी हम सारे टेप बॉल ही खेले हुए हैं, हम सारों ने स्टार्ट टेप बॉल से लिया है। तो हमारी जो बेस है वो टेप बॉल ही थी, टेनिस बॉल थी, लेकिन इसको समझा जाता था कि शायद ये हार्ड बॉल में नुकसानदेह है, लेकिन आई थिंक सो इसको ऐसा नहीं, इसको पॉजिटिव वे में देखें, इसको एक अलहदा से स्पोर्ट्स बना के देखें, इसका भी एक अलहदा से फ्यूचर है, इसके अलहदा से स्टार्स हैं, इसके अलहदा से क्रिकेट है, इसके अलहदा से फैन फॉलोइंग है, इसके अलहदा से देखने वाले शायकीन हैं, वो शायद हार्ड बॉल देखना इतना पसंद नहीं करते लेकिन टेप बॉल का 6 ओवरों का मैच देखने ज़रूर जाते हैं। तो लिहाजा इसको ऐसे मुतनफ़र हो के या उसको तासुब पसंदाना अंदाज से नहीं देखना चाहिए, इसको एक एज ए स्पोर्ट्स और एक एज ए उसको कबूल करना चाहिए। और इसका आप देखेंगे इस वक्त दुनिया में दुबई है, इंडिया है, श्रीलंका है, इसका वर्ल्ड कप भी होने जा रहा है, काफ़ी सारी नेशंस की टीमें आ रही हैं, अमेरिका में बहुत पॉपुलर हो रही है, पाकिस्तान में बहुत सारे लड़के इसके उनका रोज़गार वाबस्ता हो गया है। जो लड़के सिर्फ बेचारे अपने शौक से खेल कर चले जाते हैं लेकिन पैसे कमा नहीं पाते थे, तो KPTL बदर एक्सपो ने की ये बहुत बड़ी काबिश है कि उनकी वजह से ये अब लड़के प्रोफेशनल हो गए हैं, अपने घर में मतलब वो घर के पैसे कमाने के काबिल हो गए हैं, घर चलाने के काबिल हो गए हैं, अपनी फैमिलीज के काबिल हो गए हैं। तो बजाय इसके कि उनको डिस्करेज किया जाए, इसको करेज करना चाहिए, ना कि इसको तासु पसंद अंदाज से देखना चाहिए। अच्छा नावेद भाई, हम जो हैं वो अपने साथ एक बैट लाएँ, वीनस टीवी का इनिशिएटिव है कि जितने भी हमारे लेजेंड क्रिकेटर्स हैं उनका हम ऑटोग्राफ लें, और इससे जो हम है कोशिश कर रहे हैं कि सैलाब जदगान के लिए है ना फंड इकट्ठा करें। तो थैंक यू सो मच, नाजीन ये थे हमारे साथ नावेद लतीफ़ साहब, और बहुत अच्छे से एलेबरेट किया जो पास्ट में मामला चल रहे थे, अभी मामला चल रहे हैं, टाइम स्पेंड जो है वो लोगों का कम हो गया है, जो इंटरेस्ट लेवल है वो कम हो गया है, तो इस वजह से T20s और T10 जैसे और टेप बॉल जो है बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इस तरह के जो टूर्नामेंट्स हैं वो अब जो है वो आगे जाके फ्यूचर बनते हुए नज़र आ रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट का और इंटरनेशनल क्रिकेट का।